पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर व ऑलराउंडर शाहिद अफरीदी कोरोना वायरस पॉजिटिव पाए गए हैं। पाकिस्तान टीम के कप्तान रह चुके अफरीदी ने ये जानकारी खुद शनिवार को ट्वीट कर साझा किया है। 40 वर्षीय अफरीदी ने खुद के कोरोना वायरस पॉजिटिव पाए जाने की खबर ट्विटर पर साझा करते हुए लिखा कि मैं गुरुवार से अस्वस्थ महसूस कर रहा हूं। मेरा शरीर बुरी तरह से दर्द कर रहा था। मेरा परीक्षण हुआ और दुर्भाग्य से मैं कोविड-19 पॉजिटिव हूं। शीघ्र स्वस्थ होने की दुआओं की आवश्यकता है इंशा अल्लाह। वहीं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कई खिलाड़ियों ने अफरीदी के जल्दी ठीक होने के लिए उन्हें मैसेज भेजे हैं। संदेश भेजने वालों में मोहम्मद हफीज, सोहेल तनवीर और कामरान अकमल जैसे खिलाड़ी शामिल हैं। बता दें कि पूर्व ऑलराउंडर अफरीदी हाल ही में कोरोना वायरस से जूझते पाकिस्तान में लोगों की मदद करने के लिए चैरिटेबल फाउंडेशन के साथ काम में व्यस्त थे। इससे पहले मई में अफरीदी ने कोरोना वायरस महामारी के खिलाफ लड़ाई में मदद करने के लिए बांग्लादेश के मुशफिकुर रहीम का बैट $20,000 की बोली लगाकर खरीदा था। ICC ने कहा है कि पाकिस्तान के पूर्व कप्तान अफरीदी ने $20,000 में अपनी चैरिटी फाउंडेशन की ओर से बल्ला खरीद कर नेक काम में शामिल होने का फैसला किया है। इसके बाद ICC ने ट्वीट किया, मुशफिकुर रहीम को एक खरीदार मिल गया है। पाकिस्तान के ऑलराउंडर शाहिद अफरीदी ने चैरिटी फाउंडेशन की ओर से बल्ला खरीदते हुए नेक काम में शामिल हो गए हैं। पाकिस्तान के लिए 1998 से 2008 के बीच खेलने वाले अफरीदी ने 27 टेस्ट, 398 वनडे और 99 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले हैं। वहीं पाकिस्तान में 1,32,000 से ज्यादा लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हैं। अब तक इस वायरस से 2,500 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। देश में कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए लॉकडाउन बढ़ाया गया था, लेकिन बाद में इसे हटा लिया गया। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप अपने सवाल और सुझाव हमें कमेंट करके बताइए। बाकी देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों की अपडेट के लिए हमारे चैनल लोकमत हिंदी को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।